गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार नमस्कार स्वागत है आपका फिनेक्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पर साथियों एक जबरदस्त सेशन होने जा रहा है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दें लाइक कर दें और आपको पता है कल जैसा कि हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या अकबर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में जहांगीर के बारे में मतलब बहुत तेजी से पढ़ेंगे बिल्कुल भी स्पीड कम नहीं होगी फटाफट फड़ सेशन को सारे के सारे समाप्त करेंगे ठीक है चलिए बहुत बढ़िया मैं बढ़िया हूं बेटा सुबोध जी आपका नाम भी ले लिया हमने ठीक है महेंद्र कुशवाहा अमन पी के चहल सुबोध महेंद्र स्वदेश लक्की अंकित के के टेक्नोलॉजी रूपा झा बहुत बढ़िया जबरदस्त राम राम गुड इवनिंग प्रणाम बेटा देवेश कल्पना चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त ठीक मोहित के डी सर मुझे आर का पेड बैच चाहिए बेटा का पेड बैच के लिए आप जीएस का सेक्शन ज्वाइन कर सकते हो त्रिशूल बैच ठीक है चलिए संतोष प्रजापति सर आप इतना लेट क्यों आए बेटा बताएंगे किसी दिन फुर्सत में होंगे तो बताएंगे कि लेट क्यों आए बेटा ठीक है रंजीत कैसे हैं सर जी मस्त चलिए जबरदस्त सब बढ़िया है हाँ हो गया चलिए लेकिन सब लोग आ गए लाइक नहीं करेंगे जब मैं कहूंगा जब मैं भिकारी तरह कटोरा तुम्हारे सामने रखूंगा तब तुम अपना लाइक उसमें डालोगे कि भाई साहब लो हमारा लाइक स्वीकार कर लो क्यों अरे यार बेजती कराए हो तो हमारी तो कराते ही हो साथ में अपनी भी कराते हो सब लोग ठीक है चलिए देखते इतने हो लाइक इतने कम बेजती करा दो की चलिए सब बच्चे बहुत बढ़िया फटाफट फड़, जबरदस्त उर्सी आई हेट माई लाइफ अरे आई हेट योर लाइफ तो काहे तुम यहां बैठे हो चलो बहुत बढ़िया जबरदस्त आगे बढ़े जहांगीर के बारे में देखते हैं भाई साहब बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से ठीक है चलिए हम्म तो जहांगीर रेटिंग लगा लू अब भाई साहब सबको पता है क्या पता है कि कल हम लोगों ने अकबर के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर लिया था ठीक है गुंजन गुप्ता सर अकबर के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया आज बता दो बेटा देखो अब एना पर क्योंकि तुम लोग क्या ना अब सीरियस स्टूडेंट हो पहले मैं सोचता था तुम लोग बढ़िया हाँ आराम से पीसीएस दोगे अच्छे से बढ़िया हाँ से पढ़ोगे है ना तो भाई साहब बस अब तुम जिस हिसाब से बिहेव करोगे उस हिसाब से पढ़ो असल में बहुत बच्चों ने कहा ना कि भाई साहब इतना पेपर नहीं आता ये नहीं होता वो नहीं होता तो कहने का मतलब बस अब उतना पढ़ो जितना जरूरी है पेपर में ठीक पेपर पहले था मैं गारंटी ले सकता था पेपर में आता ही आता अब क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं चलूंगा तुम जो ऐसा कहोगे वैसा मुझे चलना है क्लियर है तो उम्मीद करते जो हमने कल अकबर के बारे में बताया था एन है बढ़िया है अब आज जहांगीर के बारे में देखते हैं और तुम ही कहते हो कि टॉपिक एक महीने का वादा किया था दो महीने का वादा किया था इतने दिन लगा रहे हो कंप्लीट करने में भाई साहब दूसरे तरह खिलवाड़ थोड़े कर रहे थे हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बिल्कुल सीरियसली समझा रहे थे लेकिन हुआ क्या तुमको लगा कि मैं खिलवाड़ कर रहा हूं भाई साहब तो जब खिलवाड़ कर रहा हूं तो भाई साहब कोई बात ही नहीं है ठीक है तो कहने का मतलब है तुम लोग बड़ी आसानी से कह दिए कि इतने दिन में इतने दिन लगा रहे हो पढ़ाने में अरे कोई अच्छी चीज देखो कोई बेकार चीज है जल्दी मिल जाएगी लेकिन कोई अच्छी चीज पाने में समय लगता है लेकिन तुम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं तो भाई जब मैं क्यों पेशेंस रखूं तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगे ठीक है चले बहुत बढ़िया सब बच्चे आ गए हाँ। जहांगीर के बारे में समझो होती तो अकबर के बारे में अभी तीन चार क्लासे होती इतना ज्यादा बड़ा चैप्टर अकबर के बारे में लेकिन उतना पढ़ो जितना जरूरी है तुम्हें वन डे एग्जाम जरूरी है तो वन डे एग्जाम भैया पकड़ते रहो ठीक है जिसको पीसीएस पढ़ना है भाई साहब आरो यारो सारे चीजें नहीं वो जाकर त्रिशूल बैच में जाए अपना यहां पे इन लोगों की मुरादें पूरी हो जिससे हमारे ऊपर कोई ब्लेम ना लगाए चलो जहांगीर के बारे में देखो भाई साहब टाइम पीरियड कब से कब तक चलेगा सोलह तक कब से सोलह से सत्ताइस तक किसका जहांगीर का अब सबसे बड़ा बात आती है भाई साहब जहांगीर का पूरा नाम क्या है जहांगीर का पूरा नाम क्या है जहांगीर के बचपन का नाम क्या है सारी चीजें समझनी बहुत आवश्यक है तो जहांगीर का पहले पूरा नाम देख लो नूरुद्दीन नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ये किसका पूरा नाम भैया ये पूरा का पूरा नाम है जहांगीर का क्लियर है अब बात आती है जहांगीर के बचपन का नाम बताओ जहांगीर के बचपन का नाम जो है वो क्या है सलीम क्या नाम है सलीम क्लियर है फिर बात समझिए बहुत ध्यान से क्या समझोगे सलीम नाम कैसे पड़ा सलीम नाम कैसे पड़ा कैसे तो भाई साहब अकबर को कोई संतान नहीं हो रही थी तो उसने मन्नत मानी थी कि जो शेख चलीम सलीम चिश्ती की दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वहां पर यह गया मन्नत मांगा किसने अकबर ने फिर उसके बाद इसको एक प्रकार से क्या हुआ भाई साहब संतान की प्राप्ति हुई और उस संतान का नाम अकबर ने सलीम के नाम पर रख दिया मतलब अपने जो एक प्रकार से कह सकते हो सूफी संत या गुरु सलीम शेख सलीम चिश्ती उनके नाम पे। तो कहने का मतलब है सलीम नाम कैसे पड़ा तो सलीम नाम अकबर ने अकबर ने सूफी संत अकबर ने सूफी संत शेख सलीम शेख सलीम चिश्ती नाम पर रखा शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा किसने अकबर ने नाम किसका जहांगीर का और जहांगीर का पूरा नाम क्या था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर उम्मीद करते इतनी बात पता चल गई होगी फिर बात समझिएगा बहुत ध्यान से अब बात आती है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था तो जन्म हुआ था पंद्रह ईस्वी में फिर प्रश्न आता बहुत प्यारा सा क्या प्रश्न आता है भाई साहब इनकी माता का क्या नाम था मतलब ये किसके गर्भ से उत्पन्न हुए थे तो याद रखिएगा जोधाबाई जिनका नाम था जोधा भाई या हरका भाई जोधा भाई या हरका भाई क्लियर है इन्हीं का नाम था। इनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे कौन सलीम जो आगे चलकर किस नाम से मशहूर हुए जहांगीर के नाम से नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जो जिनकी माता का नाम बाई सा जोधाबाई या एक प्रकार से हरका भाई रखा है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त समझ में आ रहा है हर एक चीज समझ में आना बेहतरीन तरीके से इत... हाँ एक एक बेहतरीन चीज समझ में आना कोई भी टेंशन ना लेना तुम लोग ठीक है चलिए फिर बात समझना बहुत ध्यान से अब देखते हैं जहांगीर का शासनकाल तो जहांगीर ने क्या किया पेपर में प्रश्न आता है कौन सा मुगल शासक था जिसने बारह कानूनों का बारह कानूनों का आदेश जारी कर दिया जिसने बारह कानूनों का आदेश जारी किया तो भाई साहब उन मुगल बादशाहों में से एक मुगल बादशाह था जिसका नाम था जहांगीर जहांगीर ने बारह कानूनों बारह कानूनों का आदेश जारी किया किसने जहांगीर तो जहांगीर के वो बारह कानूनों में मेन मेन कौन कौन से ऐसे कानून थे तो भी समझ लो वो भी समझ लो बहुत बढ़िया जबरदस्त सबसे पहली बात है एक कानून में था किसने नशाबंदी पर रोक लगा दी एक प्रकार से क्या कर दिया नशा बंद नशा को बंद कर दिया नसा बंदी कर दी किसने जहांगीर ने सबसे पहला काम इसने यही किया उसके बाद दूसरी बात क्या की भाई साहब गुरुवार एवं रविवार गुरुवार एवं रविवार पशु हत्या पर रोक पशु हत्या पर रोक किसने लगा दी भाई साहब जहांगीर ने क्लियर है फिर अंग भंग अंग भंग पर रोक ये भी किसने लगा दी भाई साहब जहांगीर ने तो कहने मतलब अंग भंग का मतलब समझे पहले क्या होता था जैसे कोई भी आप गैर कानूनी कार्य करो उसके लिए उसके लिए भाई साहब क्या हुआ करता था कि अंग को काट दिया जाता था ये काट दो वो काट दो तो ये सारी चीजें हो जाया करती थी तो इन सारी चीज़ों पर रोक लगा दी किसने लगा दी जहांगीर ने पहली बात तो नशाबंदी बंद कर दी गुरुवार रविवार पशु हत्या पर रोक लगा दी अंग भंग पर रोक लगा दी इस प्रकार भाई साहब ये बात पूरी बता दी और सबसे बड़ी बात पहले कान में लोग बाली नहीं पहन सकते थे लेकिन जहांगीर ने कान में बाली पहनने का भी आदेश जारी कर दिया इन चार मेन पॉइंट को आप नोटिस करिएगा याद करिएगा बहुत बढ़िया तरीके से ये आपको याद हो जाएंगे जबरदस्त एक एक प्रश्न समझ में आएगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया केसरी पूजा मॉडर्न हिस्ट्री कब पढ़ाएंगे सर फालतू कमेंट है ये ये फालतू कमेंट है भाई साहब चल ही रहा है जानवर समझे हो तो बताओ एक ही साथ खेत को हम चढ़ जाए आराम से इंसान की तरह काम करवाओ हमसे बेटा है कि नहीं चलिए कितने बजे चलता है पीके चाहल, साम को बजे बेटा ठीक है अरे फालतू के कमेंट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पढ़ाएंगे भाई मेडिवल चल रहे हैं एशियन खत्म कर दी मेडिवल चल रहे इसके बाद मॉडर्न पढ़ाएंगे ठीक है चलिए समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा तो फटाक से इसका स्क्रिन शॉर्ट ले लो फिर बात करते हम लोग आगे की तरफ ठीक है चलिए जल्दी से भाई साहब स्क्रिन शॉर्ट ले लो फटाफट इतनी बात समझ में आ गई बिल्कुल बहुत बढ़िया जबरदस्त समझ में आ गया। गए ले लिया हां देखो स्क्रीन स्क्रीन शॉट ले लियो लेकिन लाइक तुम्हार न हुई कहे पीछे जब तक हम कहीं भी ना लाइक भी नहीं करोगे ना शेयर करोगे इसीलिए तो भाई साहब हमारे तुम्हारे दिल मिलते नहीं है ठीक है ज सिंह जोग्राफी कब से होगा फिर कुछ दिन अभी बात पूछोगे होम साइंस कब से होगा है ना फिर कहोगे सर जी हमारे पैर में फ्रैक्चर हो गया उसका प्लास्टर कब चढ़ाएंगे आप अरे यार जहां पे स्थिरता चल रही वहां पे चल ही नहीं रहे हो चलो वर्षा और मा, सर मेरा आरो का एग्जाम है उसी लेवल तक बेटा एक एक बच्चे को देखेंगे ना सब बच्चे रह जाएंगे ये हमें तो सबको लेके चलना तुम्हारे लिए तो मैं बुरा बन जाता हूं लेकिन मुझे तो सबको भाई साहब लेके चलना है ठीक है चलिए अब तुमने कहा था सर टाइम ज्यादा ना लगाओ जल्दी जल्दी पढ़ा दो तो जल्दी जल्दी लो भाई फटाफट फड़ जल्दी जल्दी पूरा खत्म कर दे रहे हैं अब कहा है तुम टेंशन ले रहे हो क्यों चलिए फिर देखो बहुत ध्यान से जहांगीर का आगे मामला जहांगीर के कितने पुत्र थे पांच पुत्र जहांगीर के पांच पुत्र थे क्या क्या नाम था भाई साहब तो देख लो परवेज सहरयार खुर्रम खुसरो, पुत्र थे भाई साहब परवेज, खुसरो खुर्रम सहरियार और एक का जो नाम था उसका नाम था जहादार क्या नाम था जहादार क्लियर है तो भाई साहब बहुत ध्यान समझिएगा बहुत प्यार समझिएगा जबरदस्त तरीके से ठीक है तो बात क्या समझोगे भाई साहब तो कहने का मतलब है इसमें एक पुत्र हुआ जहांगीर का जिसका नाम है खुसरो क्या नाम है खुसरो? खुसरो ने विद्रोह कर दिया खुसरो ने विद्रोह कर दिया अब विद्रोह ये किस वर्ष करता है तो याद रखिएगा 1606 सो ईस्वी में 1606 ईस्वी में खुसरो ने अपने पिताजी के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया क्या विद्रोह किया इसने कहा किससे अपने बाप से अपने पिता से अपने पिताश्री से कि मेरे बाबा ने हमें गद्दी पर बैठने के लिए कहा था आप बैठ गए मेरे बाबा ने हमें गद्दी पर बैठने के लिए कहा था परंतु आप बैठ गए खुसरो का विद्रोह भाई साहब जहांगीर के खिलाफ था अब इस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर ने युद्ध छेड़ दिया ला तेरी तुम हमारे खिलाफ हम तुम्हारे बाप हैं अब बाप से पंगा ले रहे हो भाई साहब युद्ध छेड़ दिया वो युद्ध जो हुआ जिसका नाम पड़ा भैरोवाल का युद्ध भैरोवाल का युद्ध जो भैरो वाल का युद्ध है भाई साहब ये किस वर्ष हुआ तो इसी वर्ष हुआ 1606 सौ ईस्वी में सबसे बड़ी बात हुआ किसके किसके बीच तो वो हुआ जहांगीर प्लस खुसरो के बीच में ठीक अब बात बहुत प्यारा सा प्रश्न था कि जहांगीर के कौन से बेटे ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था किस वजह से किया था सिर्फ इतना वजह थी कि भाई साहब अकबर जो थे इस इन सब के क्या थे इन सब के बाबा थे ग्रांड फादर जिसको कहते हैं, क्या थे बाबा थे और जहांगीर अकबर का पुत्र था तो भाई साहब नाती अकबर के नाती और अकबर के पुत्र के बीच में विद्रोह हो गया जिसकी वजह से युद्ध हुआ और उस युद्ध का नाम पड़ा भैरोवाल का युद्ध तो कहने का मतलब है भाई साहब भैरोवाल का युद्ध 1606 सौ ईस्वी सो में खुसरो प्लस जहांगीर के बीच में हो जाता है पेपर में प्रश्न आता है क्या प्रश्न आता है खुसरो की सहायता किसने की हेल्प तो खुसरो की सहायता थी भाई साहब उसमें एक गुरु थे जिनका नाम था अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव आप सबको बताया सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को कहा जाता है और टोटल सिखों के जो गुरु हुए जो टोटल भाई साहब सिखों के गुरु हुए वो टोटल हुए दस दसवें एवं अंतिम गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आप बता दियो ठीक है तो कहने का मतलब है भाई साहब जो दसवें गुरु थे जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह था उसका आधा कर दो तो। चलिए तो दस का आधा कर दो तो भाई साहब कितना आया पांचवे पांच मतलब दस का आधा कितना हो गया पांच तो कहने का मतलब है भाई साहब कि अर्जुन देव अगर पेपर में प्रश्न आ जाए सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे तो सिखों के भैया पूरे पांच मतलब पांचवे गुरु थे कौन अर्जुन देव और अर्जुन देव ने सहायता किसकी की थी खुसरो की की थी खुसरो की, की, की तो जब खुसरो की सहायता करी हो तो भाई साहब उधर बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है तो बाप जो है अपने बेटक तो उड़ाए गई अभी फादर्स डे बीता है परसों सब लोग लगाए रहे हैं पापा मेरी जान पापा मेरी शान तुम हो ये हो भाई साहब एक स्टेटस ये लगा देते छोटे में जब तुम रहे हो कहू गोली ख्याल रहो कंचा ख्याल रहो याद करो वो बचपन के दिन जब भाई साहब तुम गोली खेलते थे कंचा खेलते थे या कहू गड्डी लेके खेले लगे हो पापक पता चलेगा भैया तो पापा सीधा जो है ना कहा नहीं जूता हमारा कहा है बेटा जो फुलाई रहा माठा मा माठा मा फुलाई के जूता चला देते रहे तो फादर्स डे का मतलब इस प्रकार था कि अपने पिताजी को याद करो जिंदगी पर डरो ये नहीं बाकी आज के तो सम्मान करता। कोई करते नहीं अगर यह होता तो भाई साहब वृद्धावस्था आश्रम में पिताजी की भीड़ दिखे ही ना है कि नहीं चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई फिर कहने का मतलब था अर्जुन देव भाई साहब पांचवे गुरु थे सिखों के जिन्होंने खुसरो की सहायता की थी जिसकी वजह से जहांगीर ने लो इनको फांसी की सजा दे दी तो पेपर में प्रश्न आता है बहुत अच्छे से कौन सा मुगल बादशाह है जिसने अर्जुन देव सिखों के गुरु को फांसी लटका दिया तो भाई साहब फांसी पलट दिया? किसने जहांगीर ने जहांगीर ने फांसी लटका दिया किसको? अर्जुन देव को तुमने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा तभी आगे जाके पढ़ोगे सिखों के जो नवे गुरु होंगे गुरु तेग बहादुर तेग बहादुर को भाई साहब कौन मरवाता है औरंगजेब तो पेपर में प्रश्न आएगा कितने मुगल बादशाह हुए जिन्होंने सिखों को उड़वा दिया भगवान को प्यारे करवा दिया तो भाई साहब एक था जहांगीर एक था औरंगजेब जहांगीर ने अर्जुन देव को उड़वाया औरंगजेब औरंग ने गुरु तेग बहादुर को उड़वाया तो इस प्रकार यह मामला पूरा का पूरा फिट हो गया होगा देख ज़्यादा रहे हो मेरे बालक लाइक इस तरह कम मत करो वरना भाई साहब हमसे डायरेक्ट दुश्मनी हमारी तुम्हारी है लाइक शेयर में भाई साहब किसी भी प्रकार से कंजूसी मत क्या करो ठीक है चलिए तो इतनी कहने की बात है जहांगीर ने फांसी दिलवा दी अब एक पेपर में प्रश्न आता है जब खुसरो जब खुश रो, अपने बाप के विरुद्ध था मतलब जहांगीर के विरुद्ध थे तो भाई साहब जहांगीर की सहायता किसने की थी कौन से युद्ध में भैरोवाल के युद्ध में तो याद रखिएगा याद रखिएगा जो प्रश्न प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा हो टिक 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 टिक, टिक एग्जामिनर दिमाग में घूमता है भाई साहब जहांगीर की सहायता में कौन था इसका बेटा जिसका नाम था खुर्रम खुरमा बहुत खाता था इसीलिए भाई साहब खुरमा खाते खाते सहायता कर देता था एक बार क्या हुआ मैं बताना चाहता हूं छोटी सी भी गलती मत करना जैसे खुसरों ने कर दिया था बवाल कट गया हुआ क्या एक बार एक बच्चा फेसबुक चला रहा था अब भाई साहब उसने ऐसा कमेंट वहां पे कर दिया कि वो कमेंट वहां पे करने लायक नहीं था लेकिन जब उससे पूछा गया तो कहने लगा टिक के, के हमने कर दिया टिक से तो जब टिक से कर दिया तो भाई साहब उसी तरह खुसरो ने सोचा टिक से अपने पिताजी के खिलाफ विद्रोह कर दे तो टिक इनके टीका लग गए सीधा ऊपर के लिए फोटो टंगी टीका लग के तो कहने का मतलब है बड़े बुजुर्ग कह गए किसी के खिलाफ भाई साहब टिक से मैसेज मत करना और न टिक से कोई कमेंट करना और न टिक से कोई टीका लगवाने की तैयारी करवाना इसीलिए इससे शिक्षा मिलती है पिताजी बैठे थे हम विद्रोह ना करते ना हम जाते ना हमारे हम साथ अर्जुन देव जाते हैं इतनी मामला बात समझ में आ गई होगी जबरदस्त तरीके से तो फटाफट आप भाई साहब क्या कर लो सोना सोना सर आप युद्धों को भी विस्तार से बताया करो एक बार हम तो बता दो सर जी आप आई एस का बैच चलाओ बंद करो ये वनडे वनडे एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पैट सब खत्म करो सीधा लिखवा दो एकेडमी में सिर्फ आई एस के बच्चे पढ़ेंगे बाकी कोई नहीं पढ़ेगा बवाल कटवा दोगे ना चलो शेयर लाइक के नाम पे तो भाई साहब सबसे बड़े कंजूस तुम लो। तो ही लोग तो उम्मीद करते पूरा का पूरा मामला समझ में गया होगा शिवम कुमार सर हमारा ऐप कौन सा है तो भाई साहब हमारा ऐप अगर अभी तक तुम नहीं जान पाए हो सैतालीस कक्षा तक तो भाई साहब जीवन में का जनी हो तुम समझ रहे हो और सबसे बड़ी बात बता दें भाई साहब सब बच्चों को जो फाउंडेशन बैच इस समय चल रहा है प्रेजेंट टाइम में बाईस सौ रुपए दिख रहे होंगे नंबर दिख रहा होगा और जो बच्चा कल लास्ट डेट है तेईस जून जो बाईस सौ रुपए का बैच है ये सिर्फ दो हजार का मिल रहा वो भी मैथ जीएस हिंदी तीनों और आराम से जाके दो हजार रुपए मात्र इतना बेहतरीन बैच ज्वाइन कर लो जिंदगी भर के लिए कौनो एग्जाम के लिए सोचे ना पड़ी कि कौन एग्जाम हम दे जा रहे हैं ठीक है चलिए समझ में आ गया जबरदस्त भैया समझ में आ गया बहुत बढ़िया भाई साहब तो अब फटाक से आपको क्या करना है स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर पर जाके बस वहीं से जाके तुम्हारा आतंक चालू हो जाएगा चलिए तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गया होगा ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़े हाँ बच्चा कह रहा नूर जहां का बताओ सर जी नूर जहां अरे भैया अनार कली का इतना जानने के लिए उत्सुक हो पूछो नहीं चल तो देखा जाए भाई साहब है ना तो देखो भाई साहब जबरदस्त तरीके से बात समझना बहुत मजे से समझाऊंगा नूर जहां के पिता का नाम था बेग क्या नाम था बेग और बेग जो थे भाई साहब वो ईरान के निवासी थे और ईरान को परसिया कहते थे क्या कहते थे परसिया परसिया की खाड़ी कहां पड़ती है भाई साहब ईरान में पड़ती है इतनी बात उम्मीद करते हैं। आप सबको अच्छे से समझ में आती होगी आ भी रहा होगा है ना लाइक शेयर तुम लोग कर भी रहे होगे धमाका म्यूजिक अभी धमाका हम तुम्हारा कर देंगे भाई सब ब्लॉक कर देंगे इतना वो ना करो दान और देवता वाला कर रहे हो सत्यानाश अरे यार थोड़ा सा बच्चे बनो सेंसियर बनो यार है कि नहीं चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त समझ में आ गया हाँ फिर समझो बहुत ध्यान से इनके पिताजी का नाम पता चल गया बहुत अच्छा पेपर में प्रश्न आता है पूछा भी जाता है आप आराम से बता भी सकते हो ठीक है फिर याद रखेगा ये ग्यास बेग वही थे जिनको उपाधि मिली थी किसने दे दी थी जहांगीर ने एतमाद उद दौला एतमाद उद दौला दौला की उपाधि किसकी थी भाई साहब वो उपाधि थी ग्यास बेग की और ग्यास बेग कहां का निवासी था भाई साहब ईरान का निवासी था ईरान की राजधानी का नाम क्या था भाई साहब तेहरान था फिर बात नूर नूरजहां की माता का क्या नाम था तो नूरजहां की माता का नाम भाई साहब था जिनको कहते थे असमत बेग असमत बेग असमत बेग भाई साहब बहुत अच्छे से पेपर में इनका प्रश्न पूछा जाता है तुम लोग उड़ा के भी रख दोगे कौन सी भाई साहब ऐसी व्यक्ति थी या महिला थी कि भाई साहब जिसने गुलाब के फूल से इत्र इत्र मतलब सेंट सुगा, सेंट ठीक है गुलाब के फूल से इत्र बनाने की विधि को बताया था बेग फिर याद रखिएगा नूरजहां के भाई का नाम क्या था तो नूरजहां के भाई का नाम था जिनको कहते थे आसफ खान क्या बोलते थे भाई साहब आसफ खान और आसफ खान के बारे में सुन लो क्या था एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध क्या था हल्दी घाटी का युद्ध और ये जो हल्दी घाटी का युद्ध था भाई साहब वो किस वर्ष हुआ था ये 1576 में हुआ था जिसमें आसफ खान और राजा मानसिंह राजा मानसिंह और भाई साहब आसफ खान दोनों लोग क्या बने हुए थे अकबर के सेनापति बने हुए थे अकबर के सेनापति बने हुए थे आसफ खान और मानसिंह और ये वही आसफ खान है जो एक प्रकार से आप कह सकते हो भाई साहब बड़े प्यार से बता सकते हो कि ये वही आसफ खान है जो नूर जहां के क्या थे भाई थे नूर जहां के भाई थे इतनी बात बिल्कुल दिनों दिमाग में बिल्कुल उतर रही होगी ठीक है फिर बात समझ लो तुलसी और मोनू भाई साहब जैसे लग रहे हैं यहां ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लगन मैट्री मोनी चल रही है कैसे हो आप मैं अच्छी हूं बेटा आप लोग पढ़ने आए हो स्टडी चैनल पे हो ठीक है थोड़ा सा सेंसियर बनो सब बच्चों को मैं बिल्कुल भाई साहब डांट दूंगा इतना याद रखिएगा चलिए अकबर और हेमू के बीच में नहीं हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध तो अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच में हुआ था याद रखिएगा भूलना नहीं फिर याद रखिएगा नूरजहां नूरजहां का पेपर में प्रश्न आएगा मूल नाम क्या था मेहरुन्निस मेहरुन्निस भाई साहब नूरजहां का मूल नाम क्या था मेहरुन निशा था क्या था मेहरुन्निसा फिर याद रखिएगा बहुत अच्छे से जो नूर जहां थी ये अकबर के दरबार में भारत आई थी किसके साथ अपने पिता अपने श्री पिता ग्यास बेग के साथ अपने पिता बेग के साथ नूर जहां भारत आई थी और सबसे बड़ी बात बता दें नूर जहां किसके दरबार में आई थी अकबर के दरबार में आई थी तो अकबर के दरबार में जब आई थी ना तो ये यहां पे धन धान धन धान धन धना धन 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 मतलब डांस करती थी जिसको कहते हैं प्रोफेशनल डांसर मतलब एक तरह से कह सकते हो हिंदी में नत की न त, की मतलब भाई साहब नूर जहां जो पहले नूर जहां के नाम से नहीं जानी जाती थी सिर्फ और सिर्फ मेहरून निशा के नाम से आई थी और डांस करती थी और सलीम भाई साहब देखा करता था डांस मेहरून निशा का और जब डांस देखा करता था भाई साहब उनमें इतना नूर था इतना नूर झलकता था कि जैसे लगता था पूरे जहां का पूरे संसार का नूर सिर्फ इन्हीं में है तो सलीम की भाई आंखें उस पर फिदा हो गई और जब आंखें भाई साहब फिदा हो गई तो उसने अपने पिता श्री अकबर से कहा पापा लड़की तो पसंद आ गई शादी करनी है तो बवाल कट गया पापा ठहरे बादशाह उन्होंने बस एक बात बोली पागल वागल है क्या एक डांसर से शादी करेगा तू तेरे लिए तो राजकुमारियां हैं तेरे लिए तो कई सारी बेगम मिलेंगी तो भाई साहब बात यह हुई तो उसी बीच अकबर को डर सताने लगा कि अब सलीम भाई साहब विवाह कर लेगा जब सलीम विवाह कर लेगा तो भाई साहब किया क्या किसने अकबर ने अकबर ने अपने सेनापति अकबर ने अपने सेनापति नूर जहां का विवाह किससे करा दिया शेर अखब अफगान से अकबर ने अपने सेनापति जिनका नाम था शेर अफगान भाई साहब शेर अफगान का विवाह शेर अफगान से विवाह करवा दिया किसने अकबर ने किसका नूर जहां का क्लियर है नूर जहां का तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी समझ में आ रहा होगा तुम लोग लाइक शेयर कर भी रहे होगे हमारे बिना कहने से फिर बात समझ में गई बहुत ध्यान जब शेर अफगान से भाई साहब जब विवाह हो जाता है जानते ही हो मोहब्बत का नशाज कुछ ज्यादा भाई साहब तगड़ा होता है इतना तगड़ा होता भाई साहब उसी गम में उसी वहीं पे देखा करते थे नूर नूर जहां को फिर हुआ क्या अचानक मदिरा शराब सब पीने लगे कौन जहांगीर खूब सारे भाई साहब ऐसो आराम शौक पूरे करने लगे तो भाई साहब कहने का मतलब है कि मोहब्बत ऐसी मत करना जिसमें तुम बर्बाद हो जाओ तो इसके बाद क्या हुआ नूर जहां का विवाह शेर अफगान से हो जाता है जहांगीर मलब सलीम अपनी भाई साहब ऐसो आराम में पड़े हैं गम में डूबे हैं जैसे देवदास पिक्चर देखो फिर भाई साहब होता क्या है सलीम भी खतरनाक इंसान था अकबर भाई साहब 1605 सो पांच ईस्वी में चल बसे अकबर चल बसे उसके बाद क्या हुआ 1607 सो सात ईस्वी में शेर अफगान की हत्या हो जाती है अब क्या तुम बता सकते हो इस शेर अफगान की हत्या किसने की अब भाई साहब सबसे आदमी बली का बकरा तो बन गया कौन शेर अफगान बली का बकरा बन गया ये बेचारा सिर्फ इसलिए बन गया क्योंकि उधर थे बादशाह अकबर जिनकी वजह से शादी करनी पड़ी नूर जहां से और ये अपना फ्यूचर जानता था कि आज नहीं तो कल जहां गिर तो उड़ा देगा क्योंकि अकबर तो भाई साहब बूढ़े हो चुके काम मामला समाप्ति होना है तो मामला इतना खतरनाक था भाई साहब सोलह सो सात ईस्वी में हत्या कर दी किसने किसने की होगी मेरे भाई आसिक ने आसिक कौन था नूर जहां का भाई साहब आसिक जिसका नाम पता ही मतलब मेहरून ने साह का आसिक जहांगीर ने हत्या करवा दी और जब हत्या करवा दी उसके बाद भाई साहब दरवाजे खुल गए नूर जहां से विवाह कर लिया अभी उसके पहले तो बात समझ लो लेकिन नूर जहां शेर मतलब नूर जहां और शेर अफगान दोनों की एक पुत्री भी थी दोनों की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था भाई साहब लाडली बेगम पुत्री कौन थी भाई साहब लाडली बेगम तो लाडली बेगम कौन थी पुत्री थी किसकी थी भाई साहब नूर जहां की ये पुत्री थी लाडली बेगम फिर याद रखना बहुत ध्यान से जो ये लाडली बेगम पुत्री बनी इसकी लाडली बेगम का विवाह किससे होगा तो मैं बता दे रहा हूं लाडली बेगम आवाज आ गई होगी चेक कर लो जरा अवारी आवाज चलिए बहुत बढ़िया दीपक द्विवेदी त्रिशूल बैज में पंचायती राज है श्योर है सब कुछ है चलिए चलिए धर्मपाल त्रिशूल बैच भी पूरा करो त्रिशूल बैच तीन महीने का बोला गया तीन महीने में जब सब तुमको मिल जाएगा स्योर। सारी चीजें ठीक है चलिए उम्मीद करते सब बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा गया चीज वॉइस भी आ रही होगी तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई होगी कि 1611 सौ ईस्वी में जहांगीर ने विवाह कर लिया नूर जहां से और लाडली बेगम का विवाह हो गया किससे सहर से तो पूरा का पूरा भाई साहब ये स्टोरी समझ में आ गया ये पूरा का पूरा भाई साहब स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी ठीक है चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त चलिए तो उम्मीद करते भाई साहब पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा जबरदस्त तरीके से आ गया चल फिर बात करते हम लोग आगे की तरफ तो बात समझ लो भाई साहब जहांगीर के बारे में जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी जिसका नाम था तुझके जहांगीरी जहांगीरी जहांगीर के दरबार में भाई साहब चित्रकला फेमस थी चित्रकला फेमस थी तो इसीलिए चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहते हैं तो याद रखिएगा चित्रकला का स्वर्णकाल किसके दरबार को कहते हैं भाई साहब वो जहांगीर के दरबार को कहते हैं। जहांगीर के दरबार को भाई साहब चित्रकला का काल कहते ठीक है चलिए फिर आगे बात समझना बहुत ध्यान से आत्मकथा समझ में आ गई इनके दरबार में भाई साहब विदेशी यात्री भी आए थे विदेशी यात्री भी आए थे और उन विदेशी यात्रियों के क्या क्या नाम थे एक का नाम था भाई साहब कैप्टन हाकिंस और एक का नाम था भाई साहब टामस रो, टामस रो, और याद रखिएगा भाई साहब कैप्टन हॉकिंग जो हैं, इनको एक उपाधि मिली थी किसने दी थी जागीर ने जिसका नाम था भाई साहब इंग्लिश खान इंग्लिश खान किसकी उपाधि थी कैप्टन हॉकिंस की अब बात आती है कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज से भारत आए थे भी पेपर में पूछा था उस जहाज का क्या नाम था उस जहाज का नाम था भाई साहब हेक्टर क्या नाम था हेक्टर क्लियर है फिर यहीं पे याद रखिएगा जो कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो थे भाई साहब ये किसके राजदूत थे ये राजदूत थे भाई साहब जेम्स प्रथम के जेम्स प्रथम के ठीक है और ये भी याद रखिएगा जो टॉमस रो है वो भारत में कितने समय तक रहा तो याद रखिएगा एक वर्ष तक रहा कौन पेपर टामसरो कौन सा ऐसा भाई साहब विदेशी यात्री था जो जहांगीर के दरबार में एक साल तक रुका था पूरा टामस रो याद रखिएगा एक एक प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप समझ लो ठीक है चलिए चलिए बहुत बढ़िया समझ में आ गया हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा क्यों आएगा यार हम्म, फिर आगे भाई सब याद रखिएगा। जहांगीर 1627 सो ईस्वी में कश्मीर के अभियान पे गया था कौन सा अभियान कश्मीर के अभियान कश्मीर के अभियान पर था जहांगीर और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा भाई साहब 1627 में इसको दमा दमा था दमा हो गया था दमा के कारण इसकी क्या हो गई सोलह सौ में भाई साहब मृत्यु हो गई और जब मृत्यु हो गई तो इसको दफनाया कहां गया तो याद रखिएगा गया शाहदरा और शाहदरा कहां पड़ता भाई साहब शाहदरा पड़ता लाहौर क्लियर है और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा लाहौर किस नदी किनारे तो याद रखिएगा रावी नदी किनारे रावी नदी किनारे क्लियर तो है तो उम्मीद करते भाई साहब जहांगीर के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया चलिए समझ में आ गया सब बच्चों को बहुत प्यारा सब बास मेरे बच्चे सब बच्चे लाइक करते भाई साहब फटाफट वीडियो को जबरदस्त तरीके से है ना हम्म पूरा का पूरा भाई साहब हमने आपको एक एक प्रश्न एक एक चीज बिल्कुल विधिवत तरीके से बताती है। बिल्कुल विधिवत तरीके से एक एक चीज एक एक बातें एक एक पॉइंट सारे के सारे यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं अब बारी है तो सिर्फ तुम्हारा भाई साहब तैयार करने का ठीक तो है चलिए बहुत बढ़िया जबरदस्त तो उम्मीद करते हैं साथियों सब फटाफट अच्छे समझ में आ गया अभिषेक यादव समाजवादी वंदना नेहा अंकित चलिए रेखा कौशिक राजेंद्र सब बच्चों को समझ में आ गया फटाक से एक बार कमेंट करके बता दो भाई साहब सब बच्चों को समझ में आ गया और सब बच्चों से बताना चाहते भाई साहब अगर आपको त्रिशूल बैच ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल करिए और कल तक सिर्फ सिर्फ कल तक जितने का कोर्स है उस कोर्स पर आप दो सौ रुपए की भारी छूट पाए ठीक है चलिए उम्मीद करते सब बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा क्लियर हो गया होगा हो है ना सचिन चलिए बहुत बढ़िया रचना इंदौरा संतोष काजल नवीन अभिषेक यादव समाजवादी बहुत बढ़िया हम्म जबरदस्त समझ में आ गया तो साथियों पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा वीडियो को आपने लाइक कर दिया ठीक है तो अब वक्त है विदा लेने का और कल तैयार रहिएगा शाम को सात बजे एक बार धमाका करने के लिए जहांगीर के बाद क्या आएगा शाहजहां तो शाहजहां को समझने के लिए भाई साहब आप तैयार रहिएगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया कल भाई साहब मिलते हैं हम लोग किसमें शाहजहां में तो साथियों उम्मीद करते हैं हर एक बच्चे ने बहुत अच्छे से समझा होगा बहुत अच्छे से भाई साहब एक एक प्रश्न किया एक एक प्रश्नों को बड़े अच्छे से समझा है ना चलिए अमन शर्मा बहुत बढ़िया बेटा सब्बास सोनम सिंह अब और आज सब लोग भाई जाप बता के जाएंगे किसमें बताएंगे जब वीडियो समाप्त हो जाए तो कमेंट करके बताना कि आज का लेक्चर तुम्हें जहांगीर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया ठीक है चलिए मिलेंगे आपको वाइस आप कब कल शाम को सात बजे और जिसको वाइस आप कोई भी कोर्स से संबंधित प्रॉब्लम तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है स्टडी फाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है मिलते हैं कल शाम को सात बजे तब तक ले आप अपना ख्याल रखिएगा जय हिंद जय भारत बंदे मातरम